जैसा सिंह जी, मैं प्रेम कुमार सिंह जी से, मैं 10 सालों से जुड़ा हूँ इस संस्था से, पूज्य गुरु जी से, पूज्य गुरु बाबा राम रहीम, इनकी प्रेरणा से मैंने जब भी डेरे में जाकर देखा तो प्रेरणा सिर्फ हमें यही मिली कि गुरु जी ने हमेशा एक ही बार भी सिर्फ समाज का भला। इनकी प्रेरणा से, इनकी रहमत से आज पूरी दुनिया के अंदर इनके 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं जो कार्य करते हैं मरणोपरांत आंखें दान करना, शरीर दान करना, जीते जी गुर्दा दान करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साध संगत जी, मैं पूरी दुनिया को ये बात कहना चाहता हूँ कि बाबा राम रहीम ने जो कुछ किया है वो कोई कर तो क्या सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। बाबा राम रहीम को एक बार किसी ने कह दिया कि राजस्थान के एक छोटे से जिले के अंदर आदिवासी हैं जो कच्चा मांस खाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जो कच्चा मांस खाते हैं वहां से कोई शाम को गुजरता है तो उन्हें भी नहीं बख्शते वो। बाबा राम रहीम को तरस है उन इंसानों पे। बाबा राम रहीम ने ये कहा कि वो भी इंसान है, वो हैवानी इंसान है, हम जाके उनको सुधारेंगे। तो मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे गुरु जी ने लगभग वहां पे 3 महीने बिताए थे, उन इंसानों को ऐसा बना दिया, उनको एक ड्रेस दी जो कि उनका नाम है शास्तन जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स। वो फोर्स कैसी है जो प्राकृतिक आपदा में हमेशा जरूरतमंद लोगों के साथ रहती है, जैसे किसी के मकान को बना कर देना, कोई गरीब परिवार है, कोई जरूरतमंद परिवार है, या कहीं ऐसी कोई आगजनी हो गई तो वहां पे जाकर कुछ उनकी मदद करना, ऐसे बहुत से कार्य है। तो उस गुरु जी ने, उस संत ने ये करके दिखा दिया, उस पूरे जिले के अंदर आज वो आदिवासी बैठे हैं, उनसे जाकर कोई जाकर पूछे कि बाबा राम रहीम क्या है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंसान बना दिया उन लोगों को। ऐसे लाखों करोड़ लोग बैठे हैं नशे जो करते थे, बुरा हाल था, उन माँ बहनों से जाकर पूछो कि उनके लिए बाबा राम रहीम क्या है, उनसे जाकर पूछो जिनके लिए आज पूरी दुनिया सिर्फ बाबा राम रहीम है। दुनिया क्या कहती है, दुनिया ने एक फैसला सुना दिया, हम भारत के कोर्ट का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, मुझे गुरु जी ने शुरू से ही बात कही, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम भी उनके शिष्य हैं, हमेशा सम्मान करेंगे। लेकिन चल क्या रहा है अपने देश में, पहले 20 साल की सजा, कुछ मेडिकल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसके बाद उम्र कैद, गुरु जी ने फिर भी, दुनिया तो इतना कुछ कर रही है, लेकिन गुरु जी ने परसों चेयरपर्सन बैन और मैनेजमेंट बैन को जाकर ये कहा जब उनसे मिलने गए कि बेटा दुनिया को चाहे जो मर्जी करना है, अपने को तो राम नाम जपना है, पूरी दुनिया का भला करना है। इसके दौरान 134 मानवता भलाई का जो कार्य शुरू हो रहा है वो ये है, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल भी ना किसी को फैलाने देंगे, अपने पूरी कोशिश करेंगे। अरे जिस संत ने 28 वेश्या बहनों को अपनी बेटी बनाया है, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या, 28 वेश्या बहनों को उनको नाम दिया था कि ये मेरी बेटी है, इनका नाम शुद्ध हुई है, इनको कोई आज भी गलत नहीं देखेगा, उन बहनों को लाकर अपनी बेटी बनाया। किन्नरों को पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछता, किन्नरों के लिए पूछे गुरु जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, ये भी हमारी औलाद है, ये भी संत की औलाद है, इनको भी दर्जा देना चाहिए, तीसरे लिंग का, उनको भी आज तीसरे लिंग का दर्जा दिया हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आज बहुत सी परेशानी बीमारियां थी, गुरु जी ने लगभग पूरे भारत के अंदर हजारों ऐसे हॉस्पिटल खुलवा दिए जहाँ पर बहुत ही परेशान थे लोग, जो तुम परिवार थे उनके लिए अपने सिरसा के अंदर जो हॉस्पिटल खुला हुआ है शास्त्रा जी स्पेशली मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल, उसमें भी सुविधा रखी गई है कि कोई गरीब परिवार आता है उसका भी इलाज करवाएंगे। मैं अगर बाबा राम रहीम की बात सुनाऊं तो यहाँ पे शायद मुझे पूरे दिन पूरे रात शायद 12 महीने 1 साल 2 साल लग जाए उनकी, अगर एक एक अच्छाई के ना हो तो, लेकिन दुनिया जो करे कोई बात नहीं, हमें तो सदगुरु के वचनों पर चलना था, बाबा राम रहीम ने सिखा दिया, हमें तो भलाई करना दुनिया का, चाहे कुछ भी लोग ऐसे भी करे। अब जब भी कोई जो तो परिवार होता है भाई या कोई ऐसी बात होती है, खूनदान में पूरी दुनिया के अंदर डेरा सच्चा सौदा का नाम आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कोई भाई कहते हैं ये कोई पैसों से नहीं खरीदते कोई अवार्ड, आज लिपका बुक अवार्ड और गिनीज बुक अवार्ड में पूरी दुनिया के अंदर डेरा सच्चा सौदा का नाम है, पूज्य गुरु जी का नाम है, ऐसे नहीं बनते। पूज्य गुरु जी ने फिल्में बनाई वो भी समाज हित के लिए बनाई है, न कि किसी और के लिए। तो आज पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए इस बात को कि भाई आज सच्चा सौदा का नाम क्यों है, पूज्य गुरु जी बहुत से ऐसे पाले के कार्य करें, कानून लड़ाई लड़ रहे हैं कोई बात नहीं, हमें कानून पे पूरा विश्वास है, माननीय कोर्ट पे पूरा विश्वास है, जल्दी फैसला सही आएगा। और इसी के दौरान मैं सारी संगत से ये कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया को ये कहना चाहूंगा कि बाबा राम रहीम ने जो 134 मानव भले के कार्य किए हैं वो कार्य कर दो बस, बाबा जी ने क्या किया क्या नहीं क्या फैसला आएगा वो बाद की बात है, वो होता रहेगा कोई बात नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। 134 मानव भले के कार्य किए, खूनदान
गुरु जी के 15 अगस्त का जो जन्मदिन आता है उस जन्मदिन पे लाखों करोड़ों पौधे लगते हैं। कोई एक बहन भाई मैं तो कहूँ 10 पौधे लगा दो बहुत बढ़िया है, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। पूछे गुरु जी लाखों करोड़ों पौधे लगाते हैं, ये नहीं कहते मेरे पास आकर हमारा केक कटाओ या हमारी सेवा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु जी हमेशा यही कहते आपके घर में कोई फंक्शन है कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो आप सिर्फ एक ही काम किया करो, आप जितना उसके भला किया करो। पूछे गुरु जी के बारे में बता दो, अगर 15 अगस्त को हर साल लाखों करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जब भी कहीं खून की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ डेरा सच्चा सौदा एक है। आज दुनिया चाहे कुछ भी कर रही है लेकिन दुनिया आज ये भी कह रही है कि भाई सच्चे सौदे में खून मिलेगा बाकी कहीं नहीं मिलेगा। क्यों भाई क्यों मिलेगा खून, ये भी तो आप सोचो क्यों मिल रहा है? उस बाबा राम रहीम की वजह से मिल रहा है। किसी के पास टाइम है बताओ, 12-12 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, वहां कहते हैं मैं करना क्या, क्यों खड़े हो भाई, किस लिए खड़े हो, कहां से आए हो? हम तो यूपी से आए हैं, हम तो राजस्थान से हैं, हम तो बिहार से हैं, क्यों आए हो? हम खूनदान करने हैं। जज्बा किसने भरा है बाबा राम रहीम में, क्यों भरा जज्बा? पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, उसके सतगुरु के चरणों में तो हम लाखों का सजदा करें, पूरी जिंदगी भी निकल जाए उनके कर्मों में उनके लिए, तो फिर कहना ही क्या है। तो फिर साथ संगत जी मैं पूरी दुनिया को ये बात कहना चाहता हूँ, जो बाबा राम रहीम ने किए जो कार्य खूनदान और है, अब जहां के भी ऐसी कोई बात होती है तो खूनदान पत्रकार समाज के लिए या अपने सैनिकों के लिए, सेना के लिए, जल थल सेना वायु सेना जो भी है सबके लिए हमेशा दरबार में खून उपलब्ध रहता है। थैलेसीमिया के मरीज है उनके लिए हमेशा वो खून फ्री रहता है। आप कहीं भी पूरे अपने पूरी दुनिया में पूरे भारत में कहीं चले जाओ, आपको अगर जो खून की जरूरत है किसी भाई को पड़ती है वो जानता है उसको खून की अहमियत क्या होती है। जब वो खून लेने जाते हैं उसको ये बोलते हैं आप दो बंदे लेके आओ, ये फॉर्मेलिटी करेंगे वो फॉर्मेलिटी करेंगे, आपको खून के बदले खून देना पड़ेगा, आपका मैच होगा या नहीं होगा। मैं अभी दावे से यहाँ बैठ के कह रहा हूँ आप देर सच्चा सोता जाओ, आपको खून की जरूरत है। 5 मिनट लेंगे आपसे ये नहीं पूछे कौन सी जाति से आयो, कौन से धर्म से हो, क्या करना है, आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, पैसे नहीं है आपको खून की थैली भरा देंगे, ये जाओ पहले मरीज का इलाज करो बाद में सारी बात करेंगे, ये नहीं बोलेगा मैं बराबर खून दान दो। तो ये बहुत से कार्य चला रहे जा रहे हैं, राशन है या कोई ऐसे परिवार है, काफी लोगों को अपने लगभग लाखों लोगों को आज तक डेरा सच्चा सौदा ने फ्री मकान बना कर दिए रहने के लिए। तो विधवा या जो परिवार ऐसे बहुत से परिवार लाखों करोड़ों परिवार सबका गुरु जी ने भला किया है, करते हैं करते रहेंगे। तो अपने इसी में तो ये कहना चाहूंगा भाई अपने गुरु जी के साथ जुड़े रहना है और हमेशा ही अपने सतगुरु के से लीव लगा रहनी है, दुनिया चाहे कुछ भी करे कुछ ना करे, अरे भाई सतगुरु तो जल्दी आने वाले हैं, अपने सतगुरु तो अपने परीक्षा ही देने और क्या शिष्य की, अपना काम किया अपने को परीक्षा देनी है, परीक्षा फैल थोड़ी अपना परीक्षा में पास ही होना है। तो सारे संगत से हाथ जुड़े मेहनती गुरु सारे बैठ भाई हाथ खड़े करके प्रण ले कि अपने सतगुरु पे तन मन धन से हमेशा अडोल रहेंगे, सतगुरु में हमेशा अडोल रहेंगे, सतगुरु हमेशा अडोल रहेंगे, दंत सतगुरु पे रही आसान।